बिग बॉस सीजन 12 के घर पहुंची हमीरपुर की सुरभि राणा के घर में खुशी का माहौल बना हुआ है और सुरभि राणा का पहला एमटीवी के रूडीज में बेहतरीन प्रदर्शन होने के बाद अब वाइल्ड कार्ड के जरिए हुई बिग बॉस में एंट्री से परिजन काफी उत्साहित हैं। हमीरपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर पर लोगों का बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और सुरभि के पिता विक्रम राणा और माता राजेश्वरी देवी को भी बेटी पर नाज है। माता पिता का कहना है कि बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमें सुरभि के नाम से जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुरभि की उपलब्धि पर वे बहुत खुश हैं और उम्मीद जताई कि बिग बॉस में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। गर्व है कि वो बिग बॉस में गई है और मैं लोगों से अपील करूंगा कि मैक्सिमम उसको वोट डालकर जिताने की प्रेरणा दें। क्या आपको लगता है सुरभि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी? ऐसा हमें नहीं था, लेकिन अब जब वो बिग बॉस में गई है तो अब तो हमें बहुत गर्व है और हम आशा करते हैं कि वो जीत कर आए। आप मम्मी क्या कहेंगे? जी हाँ, अजी मम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ जी, बेटी ने बहुत अच्छा किया, उनका हमने कभी रोका नहीं और उनकी जो इच्छा थी वो उन्होंने किया और भगवान ने उनको मदद भी की। तो अब सभी से मेरी अपील है कि सुरभि को देखिए, अब शो में वो जो कर रही है उसे इंजॉय कीजिए और वहाँ पे अब कैसे रहना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको वहाँ थोड़ा कभी लड़ना भी पड़ेगा, कभी रोएगी, आपकी बेटी है देखिएगा। एंड प्लस जब उसको वोटों की आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़े तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे जरूर खूब सारे वोट दीजिए ताकि वो जीत के आए। गौरतलब है कि इससे पहले भी सुरभि राणा ने एमटीवी के रूडीज एक्सट्रीम में काम किया था और अब बिग बी के सीजन में एंट्री होने पर हमीरपुर के लोग खुश हैं। सुरभि के माता पिता ने बिग बॉस में रहने के लिए वोटिंग के समय लोगों से साथ देने की अपील भी की। सारी आपकी ब्लेसिंग चाहिए सुरभि को, आपकी अपनी बेटी है हिमाचल की, सारे भारत की बेटियां तो सबकी होती हैं, तो प्लीज सुरभि को वोट एंड सपोर्ट करते रहिएगा जब जरूरत पड़ेगी। एंड आई विश कि वो जीत के आए आप सबके आशीर्वाद से। धन्यवाद। मैं हिमाचल की प्रदेश की जनता से अपील करूंगा, पूरे भारतवर्ष की जनता से भी अपील करूंगा कि वो सुरभि को वोट दें, जरूरत पड़े तो उसको वोट देने की जीतवाने में मदद करें। धन्यवाद। और हम अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते हैं और आशा करते हैं कि वो जीत कर आए। को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, भगवान करे और ऊंचे स्तर पर जाए। और मैं जनता से बोलती हूँ कि एक तो अपनी लड़कियों को आगे करें, दूसरा इसको वोट एंड सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।